सब्सक्राइब करिए लर्न फॉर एग्जाम चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम, माय नेम इज गुरप्रीत सिंह एंड दिस वी विल टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द IFT GK। ओके, सो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर IFT GK में क्या पढ़ना है, कैसे करना है एंड ऑल दैट स्टफ, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज अबाउट अस, इफ यू वांट टू यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड दिस आर द रिजल्ट्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग राइट नाउ एंड प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल, एंड उनका NMET विंडो 1 का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, और विंडो 2 का रिजल्ट आएगा, आई विल शेयर दैट एज वेल विद यू ऑल। एंड दिस इज अवर वेबसाइट, हियर यू कैन विजिट एंड यू कैन परचेज द कोर्स इफ यू वांट टू और एंड द टेस्ट सीरीज एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द IFT की जो GK है उसमें क्या क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी लाइक टू सेक्शंस, वन इज योर स्टैटिक एंड वन इज योर करंट। ओके, और मेरी तरफ से मैंने भी खुद से एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ देखे, सो मैंने तब जब क्लियर किया था तब था 2016। ऑल राइट, मैं साफ पहले बता दूं, ठीक है। सो मैं आपको कुछ अलग से कुछ और ही बताऊंगा, जो मैं भी बताऊंगा उसमें तो है ही, और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने खुद से कैसे क्लियर किया, जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो भी बताऊंगा साथ में थोड़ी बहुत। सो स्टैटिक में आपको सिंपल है, मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे, हिस्ट्री, ठीक है, देन योर कंपनीज के बारे में, ठीक है, एंड उनकी ब्रांड्स के बारे में, ये आपका उसी में ही आता है, ठीक है। स्टैटिक में कंपनीज और ब्रांड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री उनकी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल राइट, देन नेक्स्ट इज़ योर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, वो पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये IFT है। आप इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, मतलब आपकी जॉब जो लगेगी तो उसके बारे में जाओगे आप। ऑल राइट, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, ठीक है, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, SNT लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से तो खास करके प्यार है भाई साहब, मतलब कैड़ा वाला प्यार है। देन योर बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा उनको प्यार है इन चीज़ों से। ऑल राइट, एंड योर अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया आपका। देन लास्ट इज़ योर आई विल से द इंटरनेशनल डेट्स, इंटरनेशनल डेट्स करनी है, नेशनल डेट्स नहीं भी करोगे तो चलेगा। ऑल राइट, सो इंटरनेशनल डेट्स, ये थोड़ा सा वीर तरीके से मैंने लिख दिया बट somehow फ्लो में लिख दिया, कोई बात नहीं। सो इंटरनेशनल डेट्स हो गई, नेशनल डेट्स नहीं भी करोगे तो चलेगा क्योंकि वो पूछते नहीं है, बहुत ही कम रेयर आता है। करंट में 2018 पूरा याद होना चाहिए बस, ठीक है, उसके अंदर स्पोर्ट्स वोर्ट्स सब कुछ। ये स्टैटिक का था, ठीक है, ये करंट का हो गया। अब मैं बताता हूँ कि जो मैंने रियलाइज किया कैसे करना है एंड ऑल दैट स्टफ। बेसिकली आपको ज़्यादा फोकस रखना है करंट पे, करंट में जो सबसे ज़्यादा टॉपिक चलता है उस पे। फॉर एग्जांपल जब बिटकॉइन आया 2016-17 में, थोड़ा सा पॉपुलर होने से पहले एग्ज़ाम जब हुआ था, ठीक है, समवेयर अराउंड 2016 में, हाँ 2016 में शायद बिटकॉइन के ऊपर क्वेश्चन आया था, वो पूछा गया था कि कौन सी मनी है, ठीक है, शायद मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तब का ही मुझे याद है, आई एम प्रीटी श्योर। 2017 में तो काफ़ी पॉपुलर हो गया था, 2016 में नहीं था, तो काफ़ी लोगों ने पेटीएम मार्क किया था, ये पेटीएम की मनी है, जबकि ये क्रिप्टो करेंसी थी, तो आंसर क्रिप्टो था, जबकि काफ़ी लोगों ने पेटीएम। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी वाले भी होते हैं, तो इससे आपकी कट ऑफ तो फॉर श्योर निकल सकती है। कट ऑफ क्या रहती है वो बता देता हूँ, हमेशा बहुत ही टट्टी सी कट ऑफ रही है, मतलब 1.5 मार्क्स और आपका उससे पहले 1.8 मार्क्स, ठीक है, एंड उससे पहले, मतलब पहले काफ़ी एक बार बीच में पड़ गई थी जब बहुत ज़्यादा ईजी आई थी, 4.5 के अराउंड थी तब, शायद से टाइम था आई गेस सो 2014, ठीक है, जितना मुझे याद है। ऑल राइट, एंड बाकी टाइम पे यही रही है, ठीक है, इतनी इतनी कमी रही है। और अगर मैं बात करूँ कि स्टैटिक कितनी आती है और करंट कितनी आती है, ठीक है, तो जो फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। जब मैंने दिया था तो समवेयर अराउंड आपके 15 क्वेश्चन थे स्टैटिक के और समवेयर अराउंड 10 क्वेश्चन थे करंट के। उससे पहले जब मैंने 2015 देखा था जिससे आपसे मैं गया था, तब क्वेश्चन करंट के थे 15 और स्टैटिक के थे समवेयर अराउंड 12 या 13 समथिंग। सो ये चीज़ में तो मैं श्योर नहीं कर सकता कि कैसे करना है क्या नहीं करना है, बट स्पोर्ट्स हो गया या फिर बुक्स एंड ऑथर्स हो गया तो काफ़ी बार ये करंट पे भी आता है, काफ़ी बार ये आपके स्टैटिक पे भी आ जाता है। पर बुक्स और ऑथर्स हमेशा पॉपुलर के उठाते हैं, वो कभी भी कोई एडी गैडी बुक का नहीं उठाएंगे, हमेशा पॉपुलर का उठाएंगे। सो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको पॉपुलर बुक का पता होना चाहिए। ऑल राइट, क्वेश्चन हमेशा आपको समवेयर अराउंड 25 के अराउंड मिलते हैं GK के अंदर, ठीक है। नाउ इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, इधर यू कैन गो फॉर द कोर्स विच इज अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट learnforexam.com, विच इज जस्ट फॉर रुपीज़
100। ऑलराइट, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, आपको सारा कुछ मिल जाएगा एकदम फॉर्मेट में अपडेटेड। ठीक है, मैंने खुद से अपने हाथों से सब कुछ अपडेट किया है। ठीक है, आपको वहाँ पे सारा हिस्ट्री का कंपनीज बोन्स ये सब कुछ, लाइक ब्रांड्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी आ सकता है एफटी में, मैंने सब अपडेट कर दिया। करंट अफेयर्स तो पहले से अपडेटेड थे अगर आपने स्नैप कर लिया रखा है। ठीक है, ये का जो कोर्स को आप परचेज कर सकते हो, एंड अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो मेक श्योर ये सारे आप टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब एक और टिप है, जो 2016 में जो हरकत करी थी इन्होंने, बड़ी वियर्ड सी, कि हीरो हीरोइन के ऊपर भी दे दिया था कि शाहरुख खान की कौन सी मूवी थी, समथिंग लाइक दैट। दीज आर दी काइंड ऑफ अ स्टूपिड क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट इट, यू जस्ट हैव टू लीव इट। अब क्यों? क्योंकि अगर कट ऑफ डेट इतनी सी जा रही है और क्वेश्चन आपके पास इतने सारे हैं, लेट्स से एक क्वेश्चन के 25 0.25 भी मिलते हैं या फिर 0.,, अब ये तो कोई भगवान ही जानता है कि कितनी बार, इस बारी कितने मिलेंगे, क्योंकि हर बारी वो ओपन नीचे करते रहते हैं। बट आपको ऐसे क्वेश्चंस को दिखाना है ठेंगा, यू डोंट हैव टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए भाई, फिल्मी दुनिया के अंदर कहाँ घुसोगे आप। ठीक है, उस चीज़ को छोड़ दीजिए, इन्हीं चीज़ों पर फोकस करिए, ये आपको मार्क्स इजिली दिलाएंगी, कट ऑफ से तो ऊपर ही आ जाओगे इजिली, आप 4 से 5 स्कोर कर पाओगे अगर आप इतना करके जाते हो। करंट ही कर लोगे, करंट भी कर लोगे, मैं तब भी कह सकता हूँ कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, 2 मार्क्स तो गारंटेड आएंगे, 2 मार्क्स गारंटेड आएंगे अगर आपने सिर्फ करंट कर लिया, स्टैटिक नहीं भी किया ना, करंट करके भी गए तब भी 2 मार्क्स गारंटी है, गारंटी, इतना गारंटी कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी अगर स्टैटिक कर लोगे तो फिर ये 5 तक भी जा सकता है, 10 तक भी जा सकता है, वो तो आपके ऊपर है। ठीक है, आप कितना याद कर सकते हो इस ग्रंथ में से। ऑल राइट, सो दिस अबाउट दिस वीडियो, बाकी काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर जल्दी से वीडियो बनाई दी जाए। ठीक है, कोर्स भी अवेलेबल हो चुका है, एंड वी आर ऑफरिंग सम अदर कोर्सेज एज वेल, स्नैप एंड मैट बूस्टर कोर्स इज गोइंग ऑन, ये सारे कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं 15 दिसंबर से 2019 बैच के लिए, अगर आपके कोई भाई बहन किसी को करना है तो यू कैन जस्ट रिकमेंड अस। एंड दी जैट क्रैश कोर्स, सी मैट क्रैश कोर्स, MSCT क्रैश कोर्स, ये सारे 1 दिसंबर स्टार्ट होने वाले हैं, दीज कोर्सेज आर गोइंग ऑन, इनको भी आप परचेज कर सकते हो हमारी वेबसाइट से ही। ठीक है, एंड वी प्रोवाइड द टेस्ट सीरीज एज वेल, ये भी सारी की सारी हमारी वेबसाइट से अवेलेबल है। ऑल राइट, एंड दिस आर द रिव्यूज अवर करंट बैचेस, द नवंबर बैच रिव्यू, एंड ये सी मैट बैच रिव्यू, जैट बैच रिव्यू, माई कैट बैच रिव्यू, सारे नवंबर में स्टार्ट हुए थे, ये अक्टूबर बैच का रिव्यू, सेप्टेम्बर बैच का रिव्यू, दिस इज अगस्त बैच रिव्यू, एंड दिस आर दी सम इंडिविजुअल रिव्यूज, एंड यू नो कि हम हर महीने एक नया बैच लॉन्च करते हैं। ऑल राइट, एंड दिस आर दी मोर रिव्यूज, इफ यू वॉन्ट टू रीड दैम द स्कोर कार्ड एज वेल, सो जस्ट यू कैन पॉज द वीडियो एंड जस्ट गो थ्रू इट, एंड प्लस इफ यू एनी क्वेरी तो डोंट फॉरगेट टू व्हाट्सएप मी, माई व्हाट्सएप नंबर इज 7982139467, और मैं लिख भी देता हूँ, एंड वी प्रोवाइड द बुक्स एज वेल, द DLR बुक, वेबल एबिलिटी बुक एंड द क्वान्टिटी एबिलिटी बुक, माई व्हाट्सएप नंबर इज 7982139467, और यू कैन ई मेल अस ऑन support@learnforexam.com। ऑल राइट, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, ऑल द लिंक्स फॉर दी सोशल मीडिया हैंडल्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो, यहाँ करोगे तो आपको काफ़ी सारी IFT रिलेटेड GK भी मिल जाएगी, करंट अफेयर्स मिलते रहते हैं यहाँ पे, डोंट मिस इट आउट। ऑल राइट, एंड एक और टिप जो एंड में मुझे आई, जिन्होंने एंड तक देखा जरूर से नीचे लिखें थैंक्स फॉर द एक्स्ट्रा टिप, मुझे पता लगेगा कितने लोग देखते हैं, कितने लोग पहले चले जाते हैं, दिमाग में जस्ट आई, ये पेन एंड पेपर है तो यू कैन इग्नोर दी दिस करंट बैच, दी नवंबर मंथ की जो करंट अफेयर्स है इनको आप इग्नोर कर सकते हो, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नहीं आएंगी क्योंकि पैनल पेपर है, पेपर पहले ही बन चुका है। ठीक है, एंड दिस इज दी लाइक इफ यू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम तो आपको काफ़ी सारी गाइडेंस मिल जाती है वहाँ पर, और काफ़ी सारी फ्री मैसेजेस, काफ़ी सारी जो मैं करने वाला लाइव आने वाला तो उसकी नोटिफिकेशन वहीं पर मिल जाती है, यहाँ पर करोगे तो वो कैप भी मिलती है, यहाँ करोगे तो आपको काफ़ी सारी वीडियोज मिल जाती हैं, एंड यहाँ करोगे तो काफ़ी सारा प्रैक्टिस मटेरियल, एंड IFT के लेके हम काफ़ी ज़्यादा आफ्टर कैट क्विजेस करने वाले हैं। ठीक है, वो आपको कहाँ होगी वो पता लग जाएगी। ऑल राइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।